राम जन्मभूमि अयोध्या राम भक्तों के स्वागत को तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अंदाजा है। राम भक्तों को परेशानी ना हो इसके लिए अयोध्या में खास इंतजाम किए गए हैं। भव्य रेलवे स्टेशन से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक और वहीं शानदार चौड़ी सड़कों के बाद अब यहां इलेक्ट्रिक कार टैक्सी की सेवा दी जाएगी, जो न सिर्फ पुरानी टैक्सी सेवा से सस्ती होंगी बल्कि इको फ्रेंडली भी। मोबाइल एप्लीकेशन से होगी बुकिंग। इलेक्ट्रिक कार टैक्सी सेवा के सुपरवाइजर दिलीप पांडे ने मीडिया से बात कर इस सेवा के बारे में अच्छे से जानकारी दी। ये टूरिस्टों के लिए मंगाई गई हैं, जो हमारे यहाँ अयोध्या का भ्रमण करने, दर्शन करने, दर्शनार्थियों के लिए सभी के लिए उपलब्ध कराई गई है। कब से शुरू हो रही हैं? ये 30 तारीख से शुरू हो गई हैं। ऐप जो अभी नहीं बन पाया है, ऐप 2-3 दिन में बन जाएगा, उसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। कैसे लोग बुक कर सकते हैं? जैसे अभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी अयोध्या कैंट पे, अयोध्या जंक्शन पे, अयोध्या में चाहे हर जगह मिल सकती हैं, मिल जाएंगी आपको हर बाईपास पे। कितनी गाड़ियाँ हैं आज प्रेजेंट में? 12 गाड़ियाँ हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि हुआ, भरत कुंड हुआ, सूर्य कुंड हुआ, सरयू नदी हुई, सारे जितने भी हमारे मतलब दर्शन के स्थान है सब पे घुमाया जाएगा। 10 किलोमीटर का 250 रुपये है, 20 किलोमीटर का 400 रुपये है। अगर घंटे के हिसाब से आप लेते हैं तो 6 घंटे का 1500 रुपये है, 8 घंटे का 2000 रुपये है और 12 घंटे का 3000 रुपये। अभी और गाड़ियां मंगाई जाएंगी? जी, अभी अब 22 को और गाड़ियां आनी हैं। जी जी, वीवीआईपी के लिए भी है, वीआईपी के लिए भी है, अगर कोई ऐसे भी चाहता है तो उनके लिए भी है। चौराहे पर होगा राम भक्तों का स्वागत। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। यहाँ के सभी प्रमुख चौराहों को खास थीम पर सजाया गया है। लता मंगेशकर चौक के बाद अयोध्या के प्रवेश द्वार पर पड़ने वाले चौराहे पर हाथ जोड़े हुए एक आकृति बनाई गई है। वहीं पास में एक मूर्ति भी है। इस चौराहे का सौंदर्यीकरण राम भक्तों के स्वागत के प्रतीक के तौर पर किया जा रहा है।